अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेट लॉस चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज आपको बताऊंगा कि लहसुन और शहद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे कौन से फ़ायदे रखे हैं जो हमें पता ही नहीं है और हम इस चीज़ को इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, खाते भी नहीं हैं। लगभग किचन में हमारे शहद भी मिल जाता है, लहसुन भी मिलता है, ये रोज़मर्रा की अशिया हैं। लहसुन वगैरह हांडी वगैरह में इस्तेमाल होता है। शहद अब ऐसे मीठा होता है, बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, बुज़ुर्ग भी खाते हैं। हर किस्म की एज के लिए लहसुन और शहद बहुत मुफीद है। इसमें बेशुमार फ़ायदे हैं, मैं जैसे आपको बताना जा रहा हूँ। सबसे पहला फ़ायदा तो इसका ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आपको बुखार हो जाता है, नज़ला, ज़ुकाम, सर बंद है, दिमाग बंद है फ्लू की वजह से, नज़ले ज़ुकाम की वजह से, तो आप इसको सुबह नहार मुँह खाएँ, इंशाल्लाह आपको 7 दिनों के अंदर अंदर बेहतरीन बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, आप मुझे दुआएं देंगे। उसके अलावा इसमें फ़ायदे तो बेशुमार हैं। इसी तरह इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको दस्त वगैरह लग जाते हैं, मोशन वगैरह लग जाते हैं, उसमें सर बड़ा ये कामयाब है, बड़ी अच्छी चीज़ है ये। हम इस चीज़ से लाइलम है, हम इस चीज़ को देखते नहीं हैं कि इसमें क्या फ़ायदा है। उसके अलावा दिल मतली होना, दिल का ख़राब होना, उल्टियाँ आना, इस चीज़ में भी बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको सॉरी मेरा ना दरअसल आज गला ख़राब है, इस वजह से मैं आपसे माजरा चाहता हूँ अगर मेरी इस रिकॉर्डिंग में कोई मसला हो। अच्छा, उसके अलावा सर इसमें ये है दोस्तों, हार्ट बीट, दिल की हार्ट बीट हो गई, इंसान की दिल की हार्ट बीट अगर तेज़ हो जाए तो बड़ा मसला होता है, हार्ट बीट तेज़ होती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, वो ऐसी चीज़ें काफ़ी निकल आती हैं। तो ये दिल की धड़कन को रोक के रखता है, दिल की धड़कन को बढ़ने नहीं देता, मुनासिब इत्तेदाल में रखता है। उसके अलावा इसके अंदर ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं लहसुन के अंदर कि दिल के अंदर खून की नालियों में जो गंदा मादा जमा हो जाता है ये भी पखाने के ज़रिए निकल जाता है। उसके अलावा मेरे दोस्तों इसमें आपका जिस्म का मेटाबॉलिज्म सिस्टम, निज़ाम मैदा, ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी तरह आपके जिस्म में मैदा जो है काम करता है, उसको हल करता है, आपकी ग़िज़ा को ये खाना हज़म करने में बहुत मदद देता है। ये आप इंशाल्लाह 7 दिन तक इस्तेमाल करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। हर किस्म की, किसी भी किस्म की कोई भी बीमारी हो, इसमें बहुत बेनिफिट देता है। खून की शरियानों में खून जमना, उसके अलावा आपको एलर्जी वगैरह हो जाए जिसम में किसी भी हिस्से पर, उसके लिए बहुत बेनिफिट चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें बड़ी अच्छी तासीर रखी है। उसके अलावा अगर आपको मेरा चैनल ये पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो में जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं, और माफ़ी चाहता हूँ ये मेरी आवाज़ की वजह से। शुक्रिया।